बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से लेते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। आपके सामने ये क्वेश्चन है, 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंग क्या है? नहीं, 123 टू द पावर 173 की मल्टीप्लाई अगर इसकी की जाए, यानी 122 की मल्टीप्लाई 173 बार की जाए तो यूनिट प्लेस क्या होगा? और ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है हाउ टू फाइंड आउट यूनिट प्लेस। ये आप सब जानते हैं कि यूनिट प्लेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस, दिस इज द थ्योरी, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है आपका 122 की पावर 173 का गुणनफल ज्ञात करने के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार समझाए हैं और ये एग्जामिनेशन में भी आपको मिलते हैं। तो एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे लेकर चलते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा 122 टू द पावर 173, तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन करने को मिल जाए ना तो सिर्फ यहां से यूनिट प्लेस आपको लेना है, दैट इज टू, और पावर के लास्ट टू डिजिट। अब क्या करें, अब आपको ये मैंने बढ़ाया हुआ है, फिर बता देता हूं। इवन नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल कितना होता है? 6। ऑड नंबर या उसकी पावर 4 या उसका मल्टीपल कितना होता है? दैट इज 1। इज इट क्लियर? तो 1 और 6 इस तरह से यहां होता है। अब देखें हुआ क्या, अब मैंने 2 की पावर 4 के मल्टीपल में एक तरफ निकाला और 2 की पावर 1 के मल्टीपल में अलग निकाला, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी भी इवन नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल 6 होता है, 6 में 2 की गुणा, दैट इज 12, और यूनिट प्लेस इज 2। बहुत ही खूबसूरती से ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए जिसने दिया है वो सही है। तो ए ऑप्शन को काहे चूज नहीं कर रहे हो भैया, इतने आसान सवाल में भी गलती करोगे तो एग्जामिनेशन में कैसे काम चलेगा बताओ जरा। तो जानो, समझो, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, देन उसका आंसर दो। बहुत ही बढ़िया, आंसर इज ए। बहुत ही खूबसूरती से प्रियंका सिंह ने कहा है, खूबसूरत जवाब है आप लोगों को। पढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं आपका एक और सवाल का क्या जवाब मिलता है। ओके, लेट स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन, और मैं जरा इसको एक देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कमेंट देखने यहाँ रख लेता हूँ, अभी आपके कमेंट्स मुझे दिख जाएंगे थोड़े से जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ। ओके गाइस, वेट ए मिनट, मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं आपके। हाँ, अब ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स दिखते रहेंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा श्रुति, ए आंसर है। बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोगों को, हम सब जिन्होंने अच्छे आंसर दिए। एक और सवाल ये रहा, यदि प्रेक्षणों, प्रेक्षण इज ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में लिखा है वैसे, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 10 इज 9, द एक्स 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 प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य आपको बताना क्या होगा। तो ये सवाल किससे, स्टैट से है, सांख्यिकी से है। तो देखते हैं, आप सभी जानते हैं अगर मैं इसमें क्वेश्चन करने की बात करता हूं तो समांतर माध्य क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू मीन, यानी एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10। अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने, 5 है ना, 5, तो इसका वैल्यू 9 के बराबर होना चाहिए। यही तो कहता है भाई, कुल मा योग बटे कुल संख्या बराबर औसत। तो आपने औसत निकाल दिया तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5x। ये कितना हुआ, 3 5 8 15 25 इज इक्वल टू 45। आप कह सकते हैं 5x इज इक्वल टू 45 माइनस 25 एंड x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 दैट इज 4। तो भाई x का वैल्यू 4 है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से x का वैल्यू आपने 4 बताया, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अंतिम तीन वैल्यू बोली थी उसने, ये रही लास्ट 3 डिजिट। तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो इसको भी देख लेते हैं कि इनका लास्ट 3 डिजिट क्या कहता है। ओके, ये कहता है x प्लस 5 यानी 4 प्लस 5 4 प्लस 7 और 4 प्लस 10। तो वैल्यू क्या निकल के आई, 5 और 4 9
सात और चार ग्यारह और दस और चार चौदह, इन तीनों वैल्यू का आपको एवरेज निकालना। तो तीन का भाग ही करोगे ना जोड़ के, तो ग्यारह और नौ बीस और दस तीस और चार चौंतीस, चौंतीस बटा तीन, तो ग्यारह तीया तैंतीस, ग्यारह सही एक बटा तीन इसका आंसर आना चाहिए। अरे वाह, ये तो सी ऑप्शन है। अरे बहुत ही खूबसूरत जवाब, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आपने चूज किया है और आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। इज इट ओके, सबको क्लियर हो रहा है ना? जिसको समझ ना आए वो दोबारा से बताए, यहां बैठे हैं आपके लिए, जिसके आपकी सारी समस्याओं को हम सॉल्व कर पाए। एक और सवाल, दोनों चीज का समावेश है, कंटेंट भी है पैडागॉजी भी है, तो जल्दी से बढ़ते रहो और देखते रहो सवालों को। ये रहा 444 डिवाइड बाई 16 गुणा 1.5 का मान क्या है? द वैल्यू ऑफ 444 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बिना देरी के बिना किसी समय गवाए उत्तर क्या आए? चलो मैं भी करता हूं साथ साथ में, देखते हैं। जब 16 का डिवाइड आपने 444 में किया तो 16 दूनी 32 कितना बचा? आपने कहा 12 बचा, है ना? 16 दूनी 32 12 बच गया ना। और अब आपने क्या काम करा? हो गया 124, 16 सत्ते 112, दैट इज 16 पंचे 80। तो सवाल आपके पास फंसा, दैट इज 27.5, यानी इसका डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 27.5, और उसमें 15 की गुणा, तो 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगे साथ, 15 सत्ते 105, है ना? 105 और 7 112 हासिल लगे 11, और 15 दूनी 30 और 11 41, 6 रह गया, और 15 दूनी 30 और 41 तो क्या मिला आपका जवाब? 41.625। सिंपल सवाल था, कोई प्रॉब्लम किसी को आई हो तो मुझे बता दो, क्योंकि तीन अंक बाद दशमलव क्यों लगाया? क्योंकि 27.5 और 1.25 जब मैंने आपको गुणा करके बताया तो आपका आंसर मुझे आया सी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं, इजी सवाल था। एक और सवाल, चलिए सरल करना है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एग्जाम में इस तरह के सवालों के चांसेस बन रहे हैं इस बार आने के। सरल क्या करना है? 5 रुपए के 4 सिक्के, 50 पैसे के 7 सिक्के और 25 पैसे के 26 सिक्के किसके बराबर हैं? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। सरल करना है आपको, 5 रुपए के 4 सिक्के, 50 पैसे के 7 सिक्के, 25 पैसे के 26 सिक्के किसके बराबर हैं, ये देखना है मुझे। सिंप्लीफाइड करो, 4 coins of rupees 5 प्लस 5 paisa coins 7 coins एंड 26 coins of 25 paisa इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर देना, क्वेश्चन नंबर 5 है। गुड इवनिंग शोभा, हाउ आर यू, वेलकम शोभा। तो यहां पर जवाब लगातार जारी है और प्रश्न तो शायद आप पर नहीं भारी है, तो उत्तर में इतनी क्यों देरदारी है? समझते हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के, तो 5 में 4 की गुणा कर दूं 20 रुपए, क्योंकि सिक्के के मूल्य में सिक्कों की संख्या की गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? रुपए प्राप्त होते हैं। 50 पैसे के 7 सिक्के, 50 पैसे के 7 सिक्के कितने हो गए? 3.5 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे। उसने कहा इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 20 और 3 23 रुपए 50 पैसे, ये हो गया नंबर एक। उसने कहा -25 पैसे के 26 सिक्के, 25 पैसे के 26 सिक्के, तो 26 का आधा कितना होता है? 13, 13 का भी आधा कर दो तो कितना हुआ? 6.5 रुपए 50 पैसे आएगा ना। अगर आप इसको घटाओगे तो 6 रुपए 50 पैसे तो मिला भाई, 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 65 दोनों के बाद दशमलव, क्योंकि यहां पर आप 25 पैसे की मल्टीप्लाई कर उसको रुपए में कन्वर्ट करोगे, 100 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना? तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। अब क्या बना? अब आपके सामने बना इन दोनों का टोटल 23.50 रुपए, 25 पैसे के 26 सिक्कों का मूल्य 6.50 रुपए, दोनों घटाए 0 0 23 में से 6 गए तो 17 रुपए। क्लियर है भाई?
ऑप्शन नंबर ए इज 17 रुपीज, इज इट ओके? यस गाइस, यस कि नो, क्लियर? एक बार जल्दी से हाँ ना का जवाब दिया करो, तेजी से अपने अंगूठे उठाया करो कि जैसे आप हाँ ऐसे, ये चाहिए मुझे, आप लोगों का इंट्रैक्शन होना चाहिए सवालों के साथ। एक और सवाल, किसी अभ्यास में प्रश्न था कि पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड प्रीति, तृप्ति, वेरी नाइस। बच्चों ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है किसकी तरफ करता है? संकल्पनात्मक त्रुटि बच्चे ने की है, कार्य विधिक त्रुटि के कारण यह हुआ है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को पहचानने के लिए, या फिर पढ़ने की त्रुटि को, किस चीज को ये बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये आपको बताना है। ए बी सी डी, लाइक शेयर करते रहो बिना किसी रुके, सेशन को लाइक शेयर करते रहो और अपने दोस्तों के शेयर कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी कम है, मतलब संस्कृति पढ़नी है, बाकी विषय पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स किसी को नहीं पढ़ना है क्या? हाँ भाई दोस्तों, मैथमेटिक्स में डर लगता है क्या कि मैथमेटिक्स देखते ही शेर आया और आप सब भाग जाते हैं? ये थोड़ा सा मैनेज करने की चीज है। ओके सी, तो देखो बच्चा पी क्यू और आर एस, आपने कई बार देखा होगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होता है, वहीं मैं आपसे बोलूं एस प्लस पी का होल स्क्वायर, तो शायद आप इस फॉर्मूले को ना बना पाए। पढ़ना है, बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस, वेलकम। तो ये सबको याद होता है ना, ए प्लस बी का, मैं पूछूं बच्चे से अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम उसकी जबान पर रटा होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा टू। लेकिन अगर मैं एस प्लस पी का पूछूं बोलेगा इसका नहीं पता, क्यों? क्योंकि बालक को इसकी आदत हो चुकी है, इसकी आदत है पढ़ने की उसे, इसलिए वो इस आदत से पढ़ता है, समझता है और चीजों को आगे बढ़ाता है। क्लियर? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ये, इसलिए मतलब क्या है, वो सभी रेखाओं को पी क्यू आर एस रेखाखंड लिख, आदत क्या पड़ी हुई है, ए बी ए बी ए बी। तो आपने एकदम सही जवाब दिया सी, दैट इज रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि है। हालांकि इन्हीं त्रुटियों को थोड़ा सा आगे बढ़कर हम कार्यविधिक त्रुटि भी बोल देते हैं, कार्य कर करके पड़ी हुई त्रुटि को कार्यविधिक त्रुटि भी हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रॉम पेडागॉजी, ये रहा, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ यानी बार डायग्राम खींचने के लिए कहा। यह कर रही थी किस चीज का? छात्रों की वास्तविक जीवन और गणित संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने की सहायता करने का, या फिर परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का, कक्षा के आनंद में एवं अभिव्यक्तिशील बनाने के लिए, या छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने का? तो ये क्या कर रही थी ये आपको बताना है। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर? सी, तो यहां पर सी ऑप्शन मिला है कि वो कक्षा को आनंददायक और अभिव्यक्तिशील। अच्छे, पीछे वाले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे रहे हैं आप, ताजे वाले क्वेश्चन को तोड़ो। हाँ, वो ऐसा नहीं, मेरी कच्ची के बेर मत तोड़ो, पकी हुई बेरी के बेर तोड़ो भाई, और यहाँ पर जवाब दो हाँ डी, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने का, बहुत बढ़िया। और भाई किसी और का जवाब ए, तृप्ति ने कहा ए, बहुत ही खूबसूरत जवाब सभी लोगों का आ रहा है, लेकिन अफसोस जिन लोगों ने ए नहीं कहा है उनका जवाब गलत है। सही जवाब तृप्ति ने दिया है, यानी छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने का। क्यों? बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको क्रिकेट खेलना अभी भी पसंद है, देखना भी पसंद होगा, क्रिकेट सबसे ज्यादा बढ़िया खेल होता है। तो टीचर ने मेजर किया कि भाई आप लोग तो बड़ा अच्छा क्रिकेट देखते हो, तो उन्होंने, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है बच्चों का, कि आज के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए, जडेजा ने कितने बनाए, ये सब पूछा, तो बच्चों ने तुरंत बताया इतने इतने बनाए। बोले अच्छा इनका ग्राफ बना के दिखाओ मुझे, और जैसे ही बच्चा ग्राफ बनाएगा मतलब क्या है कि वो दैनिक जीवन की चीजों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ जोड़ करके पढ़ाने की कोशिश कर रही है। इज इट क्लियर?
परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की? नहीं, क्योंकि उन्होंने को प्रोजेक्ट बनाने को नहीं दिया है, ठीक है। और छात्रों को आनंदमय और अभिव्यक्तिशील बनाने के लिए, देखिए ये जो आनंदमय अभिव्यक्तिशील बनाई जाती है कक्षा, वो पहेली और खेल के माध्यम से बनाई जाती है, और तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए, ये जो चीज उन्होंने पढ़ी उसी के इंटरेस्ट के आधार पर वो दैनिक जीवन से जोड़ती है, तो इसमें अलग वो कुछ प्रूफ करने के देती है, कुछ सवाल करने के लिए देती है, देन इट विल बी लॉजिकल रीजनिंग या स्पाइरल थिंकिंग पर काम हो रहा है। ओके, तो राइट ऑप्शन था ए। एक और सवाल, कक्षा चार के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि दिल्ली में कुल 336 माइनस 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। ओके, प्लस इस शिक्षक इस प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देंगे? एक, सही उत्तर ज्ञात कर सकता है बच्चा, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्प्रष्ट है। समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। तो मैं चाहूंगा आपके अकॉर्डिंग ये बालक कैसा है जिसको एक सवाल दिया गया और उसने सवाल को इस तरह से टेबुलेट किया और ये उत्तर लिख कर दिया, तो क्या कहते हैं आप, क्या कहना है आपका इस संबंध में? तो चलिए मैं बता देता हूं, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है, यानी उसकी अभिव्यक्ति बेकार है। क्या वो बेकार कर रहा है? उसको सिर्फ सवाल दिया, ये उसने दोनों चीज बना दी टेबल में। उसने कहा कि भाई मुंबई में इतने थे और दिल्ली में मुंबई से 127 अधिक थे, तो उसने इस टेबल को कहा इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना हो गया, उसने इसको जोड़ के भी लिख दिया कि इतना होगा। यानी छात्र को सवाल का प्रश्न पूछा गया था और छात्र इस सवाल के आंसर को दे सकता था, लेकिन उसने आंसर के साथ साथ टेबुलेशन फॉर्म भी बनाया और टेबुलेट करके यानी टेबल में उसको शो ऑफ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, किया उसने, और उसका विश्लेषण करने में भी अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है, क्योंकि इसको देख के कोई भी समझ जाएगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। खूबसूरत जवाब। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इसे इस प्रकार पढ़ा, 306, 408, 408, 4010। पढ़ने की त्रुटि का कारण क्या है? ए, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, उबाऊ और कष्टदायक लगती है। कह रहे हो सर हमारे मन की बात कर दी आपने, सही कह रहा हूं मैं, आपके मन की बात हो गई कि भाई छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कष्टदायक लगती है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है, परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। छात्र का अध्ययन करने का तरीका उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना का नहीं समझता और उसे केवल दो अंकों को पढ़ना आसान लगता है। इनमें से कौन सा जवाब आप मुझे देना पसंद करेंगे? तो यहां पर बी ऑप्शन आप बता रहे हैं, स्विटी कह रही है बी ऑप्शन होगा। बाकी सभी लोग क्या कहते हैं, इतना सन्नाटा क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? तोड़ो इस चुप्पी को और इसका आंसर देने की कोशिश करो। बी, छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ लिए परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ओ ओ ओ, नाइन्थ का बी ऑप्शन आपने दिया है जबकि स्विटी ने कहा है डी, और स्विटी आपका जवाब एकदम सही है, बहुत बढ़िया। स्वीटी के बाद बी एस शोभा भी आए हैं और आपका सवाल का आंसर है डी। डी कैसे समझे? किसी छात्र से नीचे दी गई समस्या को पढ़ने के लिए कहा गया, 306, 408, 4008, 4010। उसने कैसे पढ़ा? 306, 408, 4008 और 104, 10। तो जैसे लिखा था उसने वैसे ही पढ़ दिया। इसका मतलब स्थानीय मान तो उसको नहीं आता, वो इसमें भी था और वो इसमें भी था, स्थानीय मान की संकल्पना नहीं समझता, है ना।
और उसे केवल दो अंक संख्या को पढ़ना आसान लगता है उसे, इसलिए क्यों, क्योंकि दो दो में तो पढ़ा है, देखो 30 10 दो अंक पढ़े 8, 40 8 40 10, तो उसने कैसे पढ़ा है, जैसे संख्या उसे दो दो अंकों की लिखी मिली उसने वैसे तो पढ़ा। तो मतलब क्या है कि छात्र को स्थान विमान की संकल्पना नहीं समझता है, उसे केवल दो अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। कक्षा चार के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्राचल होगा, प्राचल मतलब होता है पैरामीटर्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स। कक्षा चार के लिए आप टाइम का इवेल्यूएशन करें, टाइम एक यूनिट है समय, उसका इवेल्यूएशन करने के लिए पैरामीटर कौन से होंगे आपके अकॉर्डिंग, कक्षा चार की बात हो रही है। ए, केवल घड़ी पर समय पड़ता है, अंकीय घड़ी और सदस्य घड़ी पर समय पड़ना, आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। जल्दी से मुझे बताओ पहले ये एएम पीएम दो वर्ड है, इनका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताना एएम पीएम का फुल फॉर्म क्या है। मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं, तब तक जल्दी से बताओ मुझे। ओके तो यहां पर मैंने एम पी एम की संकल्पना आपसे पूछी, कोई भी नहीं बता रहा, क्या बात है भाई, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या मैंने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम एंड पी एम। 10 का आंसर तो दिया सब लोगों ने भी, बहुत अच्छा। ये एम पी एम क्या होता है, ये तो आप सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि सुबह के बज रहे हैं एम, शाम के बज रहे हैं पी एम, तो ये एम पी एम आखिरकार होता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। आसान है, बहुत बढ़िया। तो एएम का मतलब आसान तो है, लेकिन मीनिंग क्या है भावेंद्र, मैं बता देता हूं। एएम को बोलते हैं एंटी मेरिडियन, इसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, बहुत बढ़िया। एंटी मेरिडियन मींस पूर्वाहन, पोस्ट मेरिडियन मींस अपहरण। याद रखिएगा, कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ ले क्लास में, सर ये एएम पीएम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कक्षा चार के बच्चे को जब हम घड़ी पढ़ाते हैं, समय पढ़ाते हैं, तो कक्षा चार में हम ये सारी चीज को कवर करते हैं कि उसे दोनों तरह की घड़ियों पर समय देखना आना चाहिए, आधा घंटा कम क्या होता है, आधा घंटा अधिक क्या होता है, ये पता होना चाहिए, एएम पीएम क्या है ये पता होना चाहिए, और मिनट और सेकंड में संबंध क्या होता है ये भी उसको पता होना चाहिए। ओके, तो राइट ऑप्शन था बी। वैसे भी आप सब जानते हैं बड़ा है तो बेहतर है लगाओ है। चलो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित घड़ित की लंबी आकृतियां संकेत करती हैं, किस बात का संकेत करती हैं। बहुत बढ़िया जवाब आने लगे हैं। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, घड़ित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना। आसान सवाल, जवाब भी आसान, सवाल भी आसान, और आपने कहा भी क्वेश्चन भी आसान है, तो जल्दी से उत्तर इतना क्यों परेशान है, उत्तर भी तो आना चाहिए इसी हिम्मत से जैसे आपने सवाल को बताया है। ओके, हाँ जी, तो जवाब मिलने लगा है बी बी बी, गणित के खेलों का सृजन करना, ऐसा बोल रहे हैं 11 का भी, शोभा। ओ ओ ओ, लेकिन एनसीएफ तो कुछ और ही कहता है, एनसीएफ मना करता है इन सब चीजों के लिए। ओ ओ ओ, गलत जवाब। उल्लेखित गणित की लंबी आकृतियां गणित के खेलों का सृजन कैसे करती हैं? ना 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 ना, सही जवाब समझो क्या है। देखो, एनसीएफ कहता है कि अगर आपने कोई एक आकृति बनाई हुई है, ये एक आयत है,
जैसे ही इस आकृति को बड़ा करते हो, एक्सपेंड करते हो, लंबा करते हो, छोटा करते हो, मोटा करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये आकृति में नई संकल्पनाएं जन्म लेती हैं। जैसे, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ, आपने सही कहा, जैसे आपने यहां पर एक लाइन डाली है, अब ये क्या बन गया, पहले सिर्फ ये एक आयत हुआ करता था, अब ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया है ना। तो यानी एक संकल्पना पर नई संकल्पना का जन्म हो जाता है। वन कंसेप्ट इज ऑन अनदर कंसेप्ट। जब भी गणित की लंबी आकृतियों का जिक्र कहीं होगा तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग है कि कहीं एक संकल्पना यूज हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग आपने दूसरा कंसेप्ट लगा दिया। इज इट क्लियर? बहुत ही बढ़िया, जवाब डी है, बी नहीं है, हाँ डी होगा शोभा, एकदम सही समझे हैं आप। एक और सवाल, निम्नलिखित पर विचार करो, थोड़ा सा विचार कर लेना, 5+3 बराबर क्या? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुसार रूपी मुक्त उत्तर प्रश्न कौन सा होगा? एक, अंग्रेजी में समझ लेना, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये। कंसिडर द फॉलोइंग, 5+3 इज इक्वल टू वॉट? द करस्पॉन्डिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर दिस क्लोज एंडेड क्वेश्चन विल बी वॉट? ए, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 2, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये 8 हो जाए? 3, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका योग 8 हो, और 5 और 3 का योग क्या होगा? 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में 15 आदमी, 15 लोग, तो जल्दी से बताओ क्या देंगे आप इसका जवाब? समझिएगा इसका मीनिंग भी। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके सीमित उत्तर के लिए, ओपन एंडेड के लिए, तो मैंने आपको कल वाली क्लास मैराथन में भी समझाया था, और अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं नेक्स्ट मैराथन जो कल होगी ना, कल भी मेरी मैराथन 4 बजे से होगी, मैं उसमें भी आपको समझाऊंगा। तो ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लो छोटी देर में। जिस सवाल के एक से अधिक आंसर हो, मोर देन वन आंसर, जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो वो क्या होता है, ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसका एग्जैक्टली सिर्फ एक ही आंसर हो, उसको बोलते क्लोज एंडेड। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? आपने कहा 5 और 3 का योग कितना होता, आपने कहा 5+3=8, 8 के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये क्लोज एंडेड है क्योंकि इसका आंसर सिर्फ एक है, 8, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 हो जाए, दूसरे के देखते हैं, 5 में मैं क्या जोड़ू कि 8 हो जाए, आपने बोला 3 जोड़ दो, तो ये भी फिक्स है, 3 ही इसका आंसर आएगा, दैट इज द क्लोज एंडेड। लेकिन थर्ड वन की बात करते हैं, ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका योग 8 है, आपने कहा ओके, एक बच्चा बोला अभी बताता हूं सर 1+7, दूसरा बोला सर 2+6, तीसरा बोला सर 3+5, चौथा बोला सर 4+4, क्या इनमें से कोई सा गलत है, क्या इनमें से कोई गलत है? एक भी गलत नहीं है, सारे सही हैं, यानी चारों ही चीजें सही हैं। तो 3+5, 1+7, 2+6 और 4+4, ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ो तो 8 आएगा, यानी इसके आंसर कोई भी हो सकता है, मल्टीपल आंसर्स हैं, और जिसके मल्टीपल आंसर्स हैं वही तो मुक्त उत्तर है, वही तो ओपन एंडेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आपने पहचाना। एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, उसका भी जवाब चाहूंगा आपसे मिले। फरहान के विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर यह पाया गया कि कहानी अनुभाग में 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? इस प्रश्न के द्वारा शिक्षक किस मूल्य को बढ़ा सकता है? प्लीज मेंशन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप जरूर मेंशन करें जब सवाल का जवाब दें। एक, अन्य की सहायता करना, बी, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, सी, पुस्तकों की अच्छी से देखभाल करना, या डी, सहयोग की संवेदनशीलता। जल्दी से शेयर करो भी सेशन को, क्या बात है सेशन में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं, शेयर करो, जब भी तो पता लगेगा आप कितने से कंपटीशन कर रहे हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। अब अगर कम बच्चे रहेंगे तो कॉम्पिटिशन कम से होगा, तो आप नहीं जान पाओगे कितने प्रिपरेशन है ना। तो ये आपका दायित्व भी बनता है कि आप सभी लोग सेशन को शेयर करके जरूर आया करें। तो डी ऑप्शन यहां पर मिलने लगा है, डी, सहयोग की संवेदनशीलता, जो कि गलत जवाब है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सहयोग कहां पर हो रहा है,
सबसे पहली बात थी कि 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, यानी किताबें नष्ट होगी पता नहीं कहाँ, 20 का पता नहीं, 20 गायब है, 219 अलमारी में रखी है, 132 को दे दिया है। तो आप मतलब क्या कहते हैं, इससे मैं किस चीज का मूल्य का निर्धारण कर पाओगे आप, या किस चीज का निर्धारण करोगे आप? सिंपल निर्धारण करोगे किस चीज का, कि भैया पुस्तकों की अच्छे से देखभाल करो, क्योंकि 100 पुस्तकें खराब हो गई हैं, 20 पुस्तकों का पता नहीं है, 219 अलमारी में पड़ी है। इसका मतलब क्या है, आप बुक का टेकिंग केयर आप अच्छा से करोगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? मैं आगे बढ़ जाऊं, एक और सवाल, नहीं सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। वन मोर क्वेश्चन गाइस, ये रहा आपके लिए। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नामक विधि का मुख्य श्रेय था किसको था? ए आर ए फिशर को, गाउस को, लाप्लास को या न्यूटन को? तो किसको था ये जवाब आपको देना है। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय इनमें से किसको गया? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, आर ए फिशर, गाउस, लाप्लास या न्यूटन। तो जवाब क्या मिल रहा है मुझे, थोड़ा सा टिपिकल सवाल हो सकता है, मैं बता देता हूं। इसका सही जवाब है आर ए फिशर। आर ए फिशर को ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जनक माना जाता है। इसका मुख्य श्रेय इन्हीं को, इन्होंने ही वेरिएंस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है ऊपर नीचे, यानी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर नहीं, कभी बहुत हाई, कभी कभी लो, कभी हाई कभी लो, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका श्रेय जाता है हमारे आर ए फिशर साहब को। बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब, बढ़िया आप सब लोगों का जवाब आया, मुझे तो अच्छा लग रहा है काफी। ऐसे ही जवाब देते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ऐसे ही सवाल करते चलो। किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या कौन सी है? ए 100, बी 75, सी 80 या डी 90? इनमें से कौन सी संख्या है जो आप पहचानने वाले हैं? तो शुरू करें कहानी या पोल का इंतजार किया जाए? चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं पोल का और देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। प्रीति ने ए पीछे वाले का शायद दिया, इस वाले की बात कर रहा हूं प्रीति में, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका ए बता रहे 100। अरे क्या बात है, आप तो बहुत बढ़िया बच्चे हो गए, तेजी से पढ़ने लगे, सीखने लगे, दैट्स वेरी नाइस। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतना फास्टली आंसर्स को समझते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। तो किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60% सपोज वो संख्या एक्स थी, मैं एक्स मान के बता देता हूँ, 60% होता है 60/100 गुणा 3/5 बराबर 36 है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। 5 से काटे 12 बार, तो 12 × 36 एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस का 100, एक्स बराबर 36 गुणा 100/36 100। इज इट क्लियर नाउ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कितना आसान सवाल था, एक ही बार में हो गया बेचारा, कुछ भी चीप अटाक उसने नहीं की और आपका एक बार में सवाल आपके सामने है। एक और सवाल है अच्छा सुंदर सा, और मैं चाहूंगा इसका जवाब भी बड़ा सुंदरता पूर्वक मिले, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके जवाब सुंदरता पूर्वक मिल रहे हैं। ओके, तो ये रहा आपका सवाल, देखूंगा जवाब क्या मिलता है। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो? -5/7 में से मैं क्या घटाऊं कि -1 प्राप्त हो जाए? यस कि नो, क्या मिल रहा है जवाब? क्लियर? ओ ओ ओ, कितना आसान। देखो उसको कई तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को, फिर मैं बता देता हूं इसको। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको डाइट कर लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप एक्स वाई जेड मान के कर लें, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। बताओ कौन सा तरीका अपनाऊं? चलो देखते हैं।
उस -5/7 में से क्या घटाया जाए कि इसका उत्तर -1 होगा, ये तो सवाल है। माइनस बाहर ले लो, 1 - 5/7, 2/7, कितना आसान सवाल था। नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते थे, माइनस भिन्न 5/7 लिखा है, यानी माइनस की भिन्नता उत्तर छोड़ो, 7 में से 5 हिस्से आपके पास हैं, कितने हिस्से नहीं है, आपने कहा 2 हिस्से नहीं, बस ये घटाया जाए, ये आ जाएगा, तो दिक्कत सिंपल, -5/7 बराबर नहीं है तो क्या करना है, -5/7 या तो आप एक्स मान के कर लो, या फिर आप सिंपल के 5/7 में से क्या घटा जाए, तो 7 में से 5 के 2, 2/7 इसका आंसर आ जाएगा, इजी है, इसको इजीली मैनेज कर सकते, सब लोगों ने बी ऑप्शन ही चूज किया है। खूबसूरती से जवाब मिला आप लोगों का, बहुत बढ़िया। एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ नया सवाल क्या कहता है और आप उसका जवाब क्या देते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित है कौन सी है। चलो जल्दी से टूट पड़ो सवाल पर, आक्रमण बोलते ना, आक्रमण बोल दो इस पर और जल्दी से जवाब मिलना चाहिए इस आक्रमण पर का सवाल। आक्रमण बोल कर शुरू किया गया है तो जवाब एकदम तेजी से आना चाहिए बिना किसी रुकावट। यस, तो सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 और सन्नाटा है बहुत बेहतरीन, उत्तर नहीं आ रहा है आपका कि इसमें से भी होगा कि 1, 2, 3। चलो देखते हैं, बड़ा सवाल तो टाइम तो लगेगा करने में, आई कैन अंडरस्टैंड कि समय थोड़ा सा बड़ा, चलो देख लेते हैं पहले 12, 18, 21 और 28, इनका एलसीएम निकालते हैं। 12 के फैक्टर होते हैं 2, 2 4 दिया 12, 18 के होते हैं 2, 2 4, ऐसे 3 × 7, 28 होता 2 × 2 × 7, चलो कर देते हैं। देखो इसमें जो कॉमन वर्ड है वो एक साथ आते हैं, 2 2 बार था, 3 भी 2 बार था, 7 1 बार था, हो गया 3 × 7 = 21, 21 × 42, 42 × 84 और 84 8 × 24 और 4 × 12 = 52, 252 हो गया ना, तो कितना हुआ 252, 252 इसका एलसीएम आ गया, 252 इज द एलसीएम ऑफ दिस गिवन वैल्यू, तो 252 आपको एलसीएम मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 252 आपको एलसीएम मिला तो हुआ क्या, उसने कहा ऐसी संख्या बता दो जो बड़ी से बड़ी संख्या को 4 अंकों की हो और विभाजित कर दे, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होती है, ये तो होती है, बस सवाल हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर लो, सही हुआ, आपको पता लग जाएगा 252 से जितनी बार कटेगी, कितनी बार विभाजित होगी, वो संख्या आपको निकल जाएगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो शेष होगा वो घटा देना, तो करें तो ये बचा भी 3 बार, 3 × 6 = 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 7, 3 × 4 = 9 आ गया। अगली बार देखें तो 2 × 18, 9 × 18, 9 × 5 = 45 और 1 = 46 और 9 × 18 = 4 = 22, इतने आएगा ना, 9 × 18, 9 × 18, 1 × 9 = 45, 9 × 18 = 6, 4 = 22, ठीक है ना, नौ फिर 9 में से 8 गए 1, 13 में से 6 गए 7 और 1, 171, यानी इस संख्या में से अगर आप 171 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8, 2, 8, 9, इतना बचना चाहिए, 9828 है, कोई ऑप्शन, आपने कहा बिल्कुल है सर, है ना ऑप्शन सी, डी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि ये संख्या सिर्फ इसको पूरा काट सकती है,
ये तो शेष बच गया ना, तो इसमें से क्वेश्चन क्या निकाल दो। तो 9999 से आपने चार अंकों की संख्या जो नहीं कटेगी वो निकाल के रख दी, आपका उत्तर मिल गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई शक, कोई समस्या, कोई टेंशन? सवाल में प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। एक और सवाल लिया जाए, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये रहा, चलो 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। अब देखो 12 आदमी है, 18 दिन में काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, सभी ने मिलकर काम करना आरंभ किया और 6 दिन बाद 4 मजदूर और काम में शामिल हो जाते हैं, शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? जल्दी से बताओ और मुझे बताते रहो। टेक्निकल टीम बहुत ही सपोर्टिव है आप लोगों की, बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है, प्लीज लाइक एंड शेयर दी सेशन, बराबर करते रहो सेशन, सेशन को शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो, ठीक है? चलो देखते जो आप क्या मिलता है। 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया, 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ जाते हैं। तो भाई आपने देखा, अगर 12 पुरुष हैं तो उनका एक दिन का काम कितना हो गया? आपने कहा एक दिन में वो करता है 1/18, ये तो करेगा। अगर 12 पुरुषों की मैं बात करता हूँ, एक दिन का काम 1/18 तो होगा, क्योंकि 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 पुरुषों का एक दिन का काम 1/18, तो 12 आदमियों का 6 दिन का काम कितना होगा? आपने कहा सर 6/18, वो 12 पुरुषों का एक दिन का काम 1/18, 6 पुरुषों का 6/18, 6 यानी 1 × 6 = 18, बात तो वही रही, 1/3 यानी 1/3। अब सवाल को समझने की कोशिश करना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये मैंने लिखे मजदूर, मैं ये लिखा मैंने काम वर्क, और ये लिखा मैंने देश। तो पहली बार देखें, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, बैटरी लो हो गई, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो क्या हुआ, आपने लिखा 12 मजदूर थे, काम कितना था? एक काम था, उसको निपटाने गए और कितने दिन? 18 दिन लगे। फिर क्या हुआ, आपके मजदूर कितने हो गए? 12 में 4 मजदूर और बढ़ गए, तो मजदूर कितने हो गए? 16। काम कितना हो गया भाई? 1/3 तो ये कर ही रहा था, तो 1 - 1/3 2/3 काम हो गया। और डेज पूछा, डे कितने लगेंगे? माना एक्स। अब ये तो आपको शायद याद आ गई होगी बचपन की कहानी, है ना? तो चलो देखते हैं, एक तरफ मैन वर्क शुरू करें तो 12:16, 2/3:1, और ये क्या बचा बराबर किसके है? 18:x, बस अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। तो क्या हुई, 18 × 12 × 2/3 अपॉन क्या बचा भाई? आपने देखा अंदर अंदर की बाहर की गुणा मैंने कर दी, तो ये 12 × 2/3 × x, माफ करिएगा मुझे x लिखना चाहिए था, मैंने x नहीं लिखा, 16 × 1 × x। ओके, 12 × 18 × 12 × 2/3 हो गया सवाल, 3 से काटे तो 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 12 × 72, 72 × 144 बटे 16, तो 16 × 144, तो x बराबर 9, तो वो कितने में खत्म कर देंगे? 9 डेज में। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। सी नहीं होगा शोभा, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन। एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, और छूट देने के बाद भी वो 21% लाभ प्राप्त कर लेता, कितना बेईमान है? मतलब बता के बोलता है कि मैं आपको छूट दे रहा हूं 12% की, और उस प्रोडक्ट को 12% पर छूट देने के बावजूद भी वो 21% का उस पर प्रॉफिट कमाते हैं,
तो उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है ये बताना है। समझने की कोशिश करना सवाल को, इजीली हैंडल है। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 100% था, उसने 12% की छूट दी तो वो 88 रुपए का हो गया। अब वो 88% पर भी 21% का लाभ कमा रहा है, यानी उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी 121% की है। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू भी 121% की उसके सामने रखी है। इज इट क्लियर? तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है आपसे? वो कह रहा है भाई अब 88 इसका वैल्यू है तो 100% किसका वैल्यू होगा, कितने प्रतिशत होगा? हो गया आपका सवाल 121 × 100/88। बात समझ में आ रही है? 4 से काटें 22 × 88 = 25, 11 से काटें 11 × 22 और 11 × 11 = 21, तो यानी कितना हुआ 25 × 25 = 26। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको क्लियर ना हो वो अपनी प्रॉब्लम को रेज कर सकता है, ठीक है, वो अपनी सकता है। तो 25 × 25 = 25 / 2, आप इसमें डिवाइड कर दिया आपने 2 का, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, नहीं 137.5%, ठीक है ना। अब 137.5% उसके पास है, अब उसने कहा 100% की चीज को उसने ऑन एवरेज कितने में बेचा है, 137% में, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कितना मूल्य लागत मूल्य 100% है, बेचने का मूल्य 137.5 है, तो कितना अधिक हुआ? आपने कहा 37.5%। ऑप्शन नंबर सी। ए क्यों दे रहे हैं आप लोग आंसर? ए आंसर क्यों दे रहे हैं? नहीं, 9/18 क्यों होगा शोभा? हाँ जी, आप अपना आंसर, हाँ सी इज द राइट आंसर, तो सी को ही आंसर सही दो, गलत नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों से सही जवाब की मुझे बहुत उम्मीदें हैं। एक और सवाल, 20वां प्रश्न आपके सामने, चलो। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धन जोड़कर मोहित को उतनी अवधि के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर पर पैसे उधार दिए, यानी उससे लिए 14% पर, भाई साहब ने 16% पर दे दिया, समझते रहे ना, और उसे इस सारे लेन देन पर 618 रुपए प्राप्त हुए। मोहित को कितनी राशि उधार दी गई थी ये आपको बताना है। तो टेक योर टाइम, डू योर क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो हियर। ओके, चलो देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या था। देखो मैं पहले बेसिक से करा लेता हूं। उसने कहा साधारण ब्याज की बात, PRT/100 होता है, सब जानते हैं PRT/100 होता है, इसी से देखते हैं पहले। उसने बोला पी 6300 रुपए इंटू आर 14, टी 3 साल अपॉन 100। ये तो उसका एक्चुअल ब्याज था जिस पे उसने राशि ली थी, उसने इसी राशि को आगे फॉरवर्ड कर दिया कुछ जोड़कर। अब जैसे कुछ धन जोड़ा उसने ये वाला ना, तो धन जोड़ दे और 120, तो क्या बना 6300 + x जोड़ दिया, मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज 16 × 3 = 100। ये तो दोनों की कंडीशन थी, दोनों कंडीशन यही है ना। तो अब क्या कहा उसने, कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 618 है, तो घटा दो, 2 0 से 2 0 काटो और जल्दी सॉल्व करने की तैयारी में जुट जाओ। क्या करें? आपने कहा ओके कर देते हैं, तो आपने किसके बराबर देगा, 100 को उधर भेज देते हैं, दोनों घटाने की बात ही आएगा ना। तो मैं संख्याओं को सॉल्व करके लिख देता हूं जिससे कि चीजें एकदम आपको समझ में आ जाए, ओके कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी 6300 + x 16 थी 48, 48 की गुणा करूं तो व्हाट इज इट,
6300 प्लस एक्स मेरे फोटो के पीछे तो नहीं जा रहा बता दे रहे ना, 48 माइनस 6300 इंटू 42 बराबर कितना है 6100 कैसे बदल ली सर 6600 ओके सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। क्वेश्चन बहुत बड़ा है जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज है ना इसलिए तो लार्ज लार्ज बनाते चलो क्वेश्चन और जल्दी से मुझे बताते चलो। अब जल्दी सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। हालांकि मैंने आंसर दे भी दिया है फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताएं जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आपका जवाब एकदम सही आ रहा है। ग्रेट शांति शांति, यहां पर सब शांति शांति क्यों है इतना भाई, तो शांति यहां है क्यों, थोड़ी सी शांति बढ़ाओ थोड़ा चुप्पी सवाल पर आओ जो भी तो पता लगेगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी यस कि नो, ओके चलिए आई विल एक्सप्लेन, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जल्दी से इसका आंसर देना है और मैं चाहूंगा आप इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ और...